हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। अगेन आई एम बैक विथ माय न्यू रेसिपी। तो आज ही ट्यूसडे और मैं अपने ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाने जा रही थी, तो सोचा क्यों नहीं रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसको अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया और उसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें मैं क्या क्या ऐड करूँगी पराठे के लिए वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सो प्लीज़ बी विथ मी, और ईच एंड एवरी थिंग क्वान्टिटी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वो आपके लिए ईजली होगा। आप डायरेक्टली वहाँ से जाके रीड आउट करके और प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज, और बी विथ मी। आगे मैं दिखाती हूँ। एंड इस पे मैंने ऐड किया है 1/2 अनियन, थोड़ा सा गार्लिक, ग्रीन चिली, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला इसमें मैंने ऐड किया है, और इसमें मैंने ऐड किया है अजवाइन ऐड किया है, सॉल्ट टू टेस्ट मैंने ऐड किया है, और यहाँ पे आप धनिया पाउडर भी, कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हो, कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। ऑप्शनल, अगर दोनों ऐड करना है तो दोनों ऐड कर, तो दोनों नहीं ऐड करना है तो दोनों नहीं भी ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से मेंशन कर दूंगी आपके लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब उसको अच्छे से, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मिक्स करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एंड यहाँ पे हमारा पराठा के लिए आलू का मैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और मैं यहाँ पे आटा भी गूंथ लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूँ का मैंने आटा लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, और इसको गूंथने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इसमें ग्रीन कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दिया और आटा भी मैंने गूंथ लिया है। अब चलिए मैं पराठे बनाती हूँ और आपको दिखा दी हूँ। अब पराठा बनाने के लिए पहले इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब आलू को मिक्सर लेंगे, स्टेप रेडी है। अब इसको शेप आपकी कॉल है कि शेप में आपको रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको अच्छे से बेल लेना है। ऐसे करके इसको अच्छे से सेक लेंगे, उसके बाद इसमें ऑयलिंग करेंगे। एक साइड अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद भी इसको टर्न कर लेंगे, लेकिन दूसरे साइड फिर से अच्छे से इसकी ऑयलिंग करेंगे। और इसको अच्छे से सेक लेंगे। एंड आप देख सकते हो बिल्कुल ये कैसे खिल गया है, खिला खिला पराठा हमारा रेडी है फॉर यम्मी टम्मी। इसी तरह से मैं 2 पराठे और बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अगेन मैंने रोटी को गोल से गोल शेप में बेल लिया है, उसके बाद मैंने आलू का मिक्सर रखा। अब इसको ऐसे करके, जैसे मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया है, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल ऐसे करके, और इसका एक्स्ट्रा जो ऊपर का ये जो होता है ना, इसको निकाल लेंगे, उसके बाद फिर से इसको बेल लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पराठा का था ये मैंने निकाल लिया है, इसमें मैंने अच्छे से आटा, ड्राई आटा लगा लिया है। अब अगेन इसको मैं शेप में बेल लूँगी। एंड सेकेंड पराठा भी रेडी हो चुका है। अब इस पर आप अच्छे से फिर से इस पर ब्रश की हेल्प से, स्पून की हेल्प से, आपकी कॉल है जैसे भी आपको ऑयल लगाना, अच्छे से इस पर ऑयलिंग कर लेंगे। वन साइड डन, अगेन इसको हम फोल्ड कर देंगे, अगेन इस पर अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे। बिल्कुल खिला खिला फिर कैसे ये रेडी हो गया है। एक और पराठा रेडी हो चुका है। अब आप इसको कर्ड के साथ, पिकल्स के साथ, टी के साथ, टोटली आपकी कॉल है कि आपको इसको कैसे खाना है। आप इस पर बटर लगाओ और आपका यम्मी पराठा रेडी फॉर द टमी। इसमें मैं अच्छे से, अच्छे अमाउंट में इस पर मैं बटर लगा दूंगी,
सो हियर यमी रेडी फॉर द टमी। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। कल मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। एंड ऑल्सो ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए ईजी होगा, आप उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों पराठा ईजिली बना पाओगे। बाय बाय, कल मिलते एक नए वीडियो के साथ।